पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 6.17 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 269.43 रुपये हो गई, डीजल 10.86 रुपये फी लीटर सस्ता, 272.77 रुपये का लीटर मिलेगा, लाइट डीजल की कीमत में 5.72 रुपये कमी हुई, नई कीमत 160.53 रुपये मुकर्रर, मिट्टी के तेल की कीमत में 6.32 रुपये कमी हुई, नई कीमतों का इतलाक हो गया। ओगरा ने LPG 2 रुपये किलो महंगी कर दी, सरकारी कीमत 237 रुपये फी किलो मुकर्रर, घरेलू सिलेंडर 27 रुपये इजाफे के साथ 2,797 रुपये का हो गया, कमर्शियल सिलेंडर 103 रुपये महंगा हुआ, कीमत 10,760 रुपये पर जा पहुंची। बलोच यकजहती कमेटी के लोकल इंतजामिया से मुजाकरात कामयाब, बलोच यकजहती कमेटी ने धरना खत्म करने का इंदिया दे दिया, बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर में धरना दे रखा है। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले में शहीद, इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया, इसराइल ने रात 2 बजे तेहरान में मिसाइल फायर किया, हमले में इस्माइल हनिया का मुहाफिज भी शहीद, इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में आए थे। हमास का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने का ऐलान, तर्जमान के मुताबिक इसराइल को बुजदिलाना हमले की सजा दी जाएगी, इसराइली कब्जे के खिलाफ मजाहमत मजीद तेज होगी, शहीद इस्माइल हनिया के बेटे के हौसले बुलंद, अब्दुलसलाम हनिया का कहना है कि आज़ादी के हसूल तक मजाहमत जारी रखेंगे, शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी, तदफीन जुमे को कतर की दारुल हुकूमत दोहा में होगी। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है, मुजरिम और दहशतगर्द सिहूनी हुकूमत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया और हमें सोगवार किया, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का सख्त रद्द अमल, ईरानी सदर ने कहा कि अपनी सरजमीन और इज्जत का दिफा करेंगे, पासदारान इनकलाब का कहना है कि हनिया के कातलों को दर्दनाक जवाब मिलेगा, मुल्क में इस्माइल हनिया के कत्ल पर 3 रोज़ा सोग, ईरान ने इंतकाम के लिए सुर्ख परचम लहरा दिया। अमेरिका का इसराइली हमले से लातालुकी का इजहार, मंसूबे का इल्म था ना इसमें शरीक हैं, कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं, कशीदगी कम करने का तरीका जंगबंदी है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का रद्दअमल, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने इसराइल का दिफा किया, लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल पर हमला हुआ तो अमरीका दिफा करेगा, तर्जमान इसराइली फौज डैनियल हेगरी का कहना है कि हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत, तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान मावराए सरहद दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, हमें इस हमले के वक्त पर शदीद हैरत है, इस्माइल हनिया की शहादत से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर चली गई, चीन का कहना है कि इस्माइल हनिया का कत्ल मजीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है, रूस ने इस्माइल हनिया के कत्ल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया, तुर्क सदर की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत, तैयब अर्दोगान ने कहा कि कत्ल का मकसद गजा में जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। इस्माइल हनिया फलस्तीनी अथॉरिटी के साबिक वजीर आजम थे, मुसलसल 3 साल इसराइली जेलों में कैद रहे, गजा में इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया, उन्हें 2017 में हमास का सरबरा मुकर्रर किया गया था, 2023 से कतर में क़याम पज़ीर थे, गजा जंगबंदी के लिए बतौर मुज़ाकरात का शरीक थे। गजा जंग में इस्माइल हनिया के ख़ानदान को भी निशाना बनाया गया, अब तक उनके ख़ानदान के 60 अफराद को शहीद किया जा चुका, अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे, हमले में हनिया के 3 पोतियाँ और पोता भी शहीद हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान का इसराइल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, मुल्क भर में जुमे को एहतजाज की कॉल दे दी, कहते हैं हनिया और उनके ख़ानदान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत हज़ारों मुजाहिद पैदा करेगी, इसराइल की इंसानियत दुश्मनी को अमरीका सपोर्ट कर रहा है, कराची लाहौर इस्लामाबाद और हैदराबाद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई।
रवा माली साल पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम रहेगी। कर्ज अदायगी के लिए गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ज्यादा है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी। S&P के मुताबिक महंगाई की बुलंद शरह से मुश्किलात हैं। गैर यकीनी सूरत हाल से पॉलिसी साजी पर असर पड़ेगा। हुकूमत मुस्तहकम है, वज़ीर आज़म काम करते रहेंगे। सियासी सूरत हाल हुकूमत के लिए परेशान कुन नहीं। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का नाकदीन को जवाब। बानी पीटीआई के मुज़ाकरात के सवाल पर जवाब दिया, ये तो अल्लाह को पता है कि वो किससे मुज़ाकरात करेंगे और किससे नहीं। IPPs के हवाले से वज़ीर आज़म को सारी तफसीलात बता दी हैं। बलोचिस्तान का धरना सूबाई मामला है। पारा चिनार में तसादुम ज़मीन के तनाज़े पर शुरू हुआ। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी से कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले वफ्द की मुलाकात। वज़ीर दाखला को कुरम में पेश आने वाले वाक़ियात पर तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके की सरकर्दा शख्सियात को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मामले के हल के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। FBR की कारकर्दगी पर तनकीद। चेयरमैन FBR मलिक ज़ुबैर अमजद टिवाना दिल बर्दाश्ता हो गए। चेयरमैन FBR ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म को मुरासला भी लिख दिया। ज़ुबैर अमजद टिवाना को अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था। कायमा कमेटी पार्लियामानी उमूर ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। बिल के हक में 6, मुखालफत में 4 अरकान ने वोट दिया। JUI की रुकन असम्बली शाहिदा अख्तर अली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तलाक माजी पर होगा या नहीं राय नहीं दे सकते। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमत से मुजाकरात का एक और दौर बेनतीजा खत्म। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। बिजली बिल अदा करना 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। अमीर जमात इस्लामी ने मुलगीर पहिया जाम हड़ताल का इंदिया दे दिया। घोटकी के इलाके रौंती में डाकुओं का हमला, 3 पुलिस अहलकार शहीद। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खराज अकीदत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताजियत। सोगवार खानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंसदाद पोलियो की कौमी टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में पोलियो का चैलेंज मौजूद होना तशवीशनाक है। पोलियो का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। जहां सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वहां हर बच्चे को वैक्सीन दें। हैदराबाद सिटी काउंसिल का इजलास मछली मंडी बन गया। पीपल्स पार्टी और PTI अरकान की हाथापाई। PTI के UC चेयरमैन अजहर शेख स्टेज पर चढ़ गए। बशीर लगारी ने अजहर शेख को टांग मार कर नीचे उतार फेंका। अजमा बुखारी से मंसूब जाली वीडियोस का केस। FIA ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। साइबर क्राइम विंग का सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात के लिए अमेरिका से रابطہ। PTI की कारकुन फलक जावेद समेत दीगर के अकाउंट्स की तफसीलात तलब। FIA ने फलक जावेद के घर तलबी का नोटिस भी लगा दिया। होशियार खबरदार, बादल मजीद बरसने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशें मुतवक्के। पंजाब सिंध KP बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने चनाब और जहलम में सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। नए सयाहों के वादी कागान आने पर पाबंदी आयद। गल्ला मंडियों में हड़ताल का दूसरा दिन, अकबरी मंडी में ताले पड़े हैं। ताजिर विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर में अशिया जरूरिया की सप्लाई मुतासर। दालों घी चावल और मसालाजात की दस्तियाबी मुतासर होने का खदशा। सदर अकबरी मंडी का हुकूमत से टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानिया में गर्मी की शदीद लहर। गुज़श्ता रोज़ गर्म तरीन दिन रहा। हीथरो और क्यू गार्डन में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वस्ती लंदन में 19 जुलाई को दर्जा हरारत 31.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मुल्क के कई हिस्सों में जुलाई में दर्जा हरारत औसत से 4 से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। और वक़ार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स चेयरमैन PCB के अहदे पर काम शुरू कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ वक़ार यूनुस की पहली असाइनमेंट है।
वकार यूनिस ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मुशावरत शुरू कर दी। टीम के इंतखाब को हतमी शक्ल देकर चेयरमैन पीसीबी को भिजवाएंगे।